नमस्कार, मैं वानु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सरकार का फैसला। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। बिहार में कोरोना का कहर जारी। एम्स में भर्ती एक डॉक्टर की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिहार में कोरोना मरीज की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा जिला इसकी चपेट में आ चुका है। आपको बता दें कि मरने वाले के आंकड़े में भी वृद्धि देखा जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक एनके सिंह की मौत हुई है। आपको बता दें कि एनके सिंह का भी इलाज पटना एम्स में चल रहा था, कोरोना से उनकी मौत हो गई। पटना एम्स में इलाज के दौरान पीएमसीएच के डॉक्टर की मौत हो गई। बिहार में यह डॉक्टर की दूसरी मौत है। बिहार में हुआ कोरोना का महाविस्फोट। एक साथ 1432 नए मरीज मिले। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 18,853। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट देखा जा रहा है। प्रत्येक जिला इसकी चपेट में आ चुका है। दिन व दिन संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1432 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हो गई है। पटना में कोरोना की जांच को लेकर आई नई शिकायत। पीएमसीएच में कोविड जांच रिपोर्ट आने में हो रही देरी। पीएमसीएच के गुजरी वार्ड के बेड नंबर 14 एडमिट पेशेंट के परिजन राहुल कुमार ने बताया कि अस्पताल में घोर लापरवाही और अनियमितता देखने को मिल रही है। सैंपल कलेक्ट किए हुए 4 दिन हो गए हैं, मगर अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं उन्होंने कहा है कि जब पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है, तब बहुत बुलाने पर कभी कभी डॉक्टर आते हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे विद्यासागर निषाद का निधन। आरजेडी में एक दिन का शोक। राजद के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विद्यासागर निषाद का आज निधन हो गया है, जिनके लिए आरजेडी पार्टी में एक दिन का शोक रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यासागर निषाद के निधन का शोक व्यक्त किया है। बिहार में पबजी गेम खेलने से छत से गिरा युवक, मौके पर ही हुई मौत। बिहार के लखीसराय से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिसके घरों में बच्चे हैं, उनके लिए तो ये जरूरी खबर है। अगर नहीं चेते तो आपका बच्चा भी हो सकता है इसका शिकार। जी हाँ, लखीसराय में कुछ ऐसा हुआ है कि पबजी खेलते खेलते एक 23 साल के युवक की मौत हो गई है। बिहार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। इस वायरस के संक्रमण के चपेट में अब राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर सूबे के आला अधिकारी तक आ रहे हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बीजेपी जेडीयू ने चुनाव नहीं संक्रमण के लिए वर्चुअल रैली की। तेजस्वी ने पूछा, आम आदमी का क्या हाल होगा? सरकार से लेकर जेडीयू और बीजेपी में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार समेत उनके आवास में 85 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के 75 नेता संक्रमित है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के स्टाफ भी पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर सचिवालय तक के सरकारी कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में आम आदमी का क्या हाल होता। रात में चुपके से जलाए जाते हैं कोरोना संक्रमितों के शव। 15,000 में बनती है बात। पटना में कोरोना संक्रमित शव का दाह संस्कार करने के लिए गंगा घाट पर 15,000 रुपए लिया जाता है। शवों को जलाने के लिए उसे लेकर परिजन को रात 8 बजे बुलाया जाता है। विद्युत शव दाह गृह को खराब बताकर लकड़ी से जलाने का प्रस्ताव दिया जाता है। इसका चार्ज 20,000 रुपये बताया जाता है। मोल भाव करते करते 15,000 रुपये पर बात बनती है। भागलपुर जिले के सभी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। कार्यकर्ता हो रहे गोलबंद। भागलपुर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भागलपुर जिला राजद ने शुरू कर दी है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर पार्टी वर्चुअल संवाद और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी फुटबॉल।
उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल की क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। बीजेपी पार्टी ऑफिस में 100 लोगों का लिया गया था सैंपल, जिसमें पार्टी के 75 नेता कोरोना संक्रमित। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी बीजेपी को कोरोना ने झटका दिया है। बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कल बीजेपी ऑफिस के 100 नेताओं का सैंपल लिया गया था। नेपाल के पीएम ओली को चुनौती देता हूँ, शास्त्रार्थ करा ले और प्रणाम दे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने विवादित दावा किया है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भगवान राम नेपाली थे। भारत से नक्शा विवाद अभी सुलझा नहीं था कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या नेपाल में है। ओली के इस दावे को महावीर मंदिर ट्रस्ट ने निराधार करार दिया है। मुंगेर नक्सलियों के खिलाफ चला कॉम्बिंग ऑपरेशन। नक्सलियों ने खड़गपुर में ब्रिजलाल टुडू और अरुण राय की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद मुंगेर, जमुई और लखीसराय की पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू की है। पारा मिलिट्री फोर्स, एसएसबी, एसटीएफ और जिला बल ने जमुई जिले के चोरमड़ा गांव स्थित हार्ड कोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा और बहादुर कोड़ा के घरों पर भी छापेमारी की, लेकिन सभी नक्सली घर से फरार थे। बताया जा रहा है कि दोहरे हत्याकांड में बहादुर कोड़ा के साथ ही बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, माधो कोड़ा एवं नारायण कोड़ा का हाथ है। एक जैसा नाम होने के कारण हो गई सबों की अदला बदली। एक पक्ष ने बिना देखे ही कर दिया अंतिम संस्कार। इंदौर में MY हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक जैसे नाम के कारण सबों की अदला बदली हो गई है। मुर्दाघड़ के कर्मचारी ने सोन कक्ष के युवक का शव बिशनखेरा गांव के लोगों को दे दिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। जब सोन कक्ष का परिवार शव लेने पहुंचा तो कर्मचारी ने उन्हें बिशनखेरा के युवक का शव दे दिया। उसके बाद जब सबको देखा गया तो सब लोग चौंक गए। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1999। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है धूम यादव, उसके बाद है नीरज कुमार, गौरव शर्मा, राहुल कुमार मंडल, संजीव कुमार, चेतन भगत, सत्यम शिवम, मिथुन कुमार, शिव क्रांति और मलिक मौर्य। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं